चलिए दोस्तों, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा कॉकटेल और लाबबर्ट ने नेस्टिंग करने की कोशिश की थी, यानी सभी कॉकटेल दोस्तों इस तरफ है और लाबबर्ट इस तरफ है। देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक्चुअली उस मटकी को ही चेक करूंगा। हटो 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 हटो, भागो यहाँ से। हमारा कॉकटेल दोस्तों काफी प्यारा है ना, दोस्तों फीमेल है। इसको चेक करता हूँ। अरे खाली है और दोस्तों कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों थोड़ा है, देखिए मतलब दोस्तों इसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल ला रहा है। इसको चेक करता हूँ। इसके अंदर तीन चार फार है, देख सकते हैं। हाँ ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो ये लोग क्या कर रहे थे यार नेस्टिंग मटेरियल से? नेस्टिंग मटेरियल का दोस्तों 12 बजा दिया। आई थिंक दोस्तों हमारा लाबर्ट को ना ये नेस्टिंग मटेरियल पसंद नहीं आया, ऐसा ही मुझे लग रहा है। अदरवाइज ये लोग इसको नेस्टिंग जरूर करता है ना। क्या हुआ? हाँ काफी चिल्लाते हो तुम लोग, क्या बोल रहे हो? भागो यहाँ से। हमारा स्नैपी दोस्तों आराम से सो रहे, देखिए स्नैपी। हेलो, इसको मैं दोस्तों खाने के लिए स्मॉल फिशेज दिया था, अभी और देना है क्योंकि इनको दोस्तों भूख लगा है। चलो स्मॉल फिश खिलाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू पेट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ दिन से दोस्तों एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो ये है कि दोस्तों हमारा स्नैपी गोलू मुन्नू ना कुछ दिनों से अच्छी तरह खाना नहीं खा रही है। पता नहीं क्या रीजन है। खाने के लिए स्मॉल फिश देता हूँ, उसके बाद दोस्तों फिश फूड देता हूँ, पर ये लोग दोस्तों खाते ही नहीं है। तो आप चलिए स्मॉल फिश देके देखते हैं ये लोग खाते ही नहीं। ठीक है, रुको यार खाना मिलेगा, जस्ट वेट करो। ठीक है, सबसे पहले तो इनको एक बड़ा सा जगह पर रखता हूँ। ओके, तुम भी आ जाओ यहाँ पर। स्नैपी चलो खाना मिलेगा। ये जो फिश देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इनका फेवरेट है पर खाते नहीं है। इधर रखता हूँ, खा लो। ये देखिए दोस्तों इनका कोई रिएक्शन नहीं है, देख रहे ना। पहले ये लोग क्या करता था वो मैं मेरे को बताता हूँ। ठीक है, फिश देखते ही दोस्तों अटैक करता था, पर अब देखिए कोई रिएक्शन नहीं है इनका। पता नहीं दोस्तों इन तीनों को क्या हुआ है। जब मैं दोस्तों टर्टल्स के लिए फिश पकड़ने के लिए तालाब में उतरा था ना, तब दोस्तों दो फिश भी मिला था। फर्स्ट मैं आप लोग को दिखाने के लिए पकड़ा था। तो देखिए इनका ग्रोथ काफी बड़ा बड़ा हुआ है ना। जब मैं दोस्तों इनको लाया था तब दोस्तों इतना सा था। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। चलो परसों भी दोस्तों हमें एक मिला था। जाओ जाओ जाओ, आ जाओ। चलो हमारा तालाब में दोस्तों और भी ढेर सारा कैटफिश है। अभी मुझे फाउंटेन के अंदर जो फिशेज है दोस्तों उनको खाने के लिए फीड देना होगा। ये देखिए सभी एक जगह पर आ गए हैं, देख रहे हैं ना, इनको भूख लगा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये खाओ। ओके, इतना ही काफी है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब चलिए दोस्तों हमारा मोली फिश को खाने के लिए देते हैं। उन सभी को दोस्तों मैं यहाँ पर रखा। ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे पानी को गंदा कर दिया, बहुत पोटी की है दोस्तों। इतना ही काफी है। खाओ 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 खाओ। इधर जो है ना इनको भी दोस्तों खाने के लिए देता हूँ। ठीक है, ओके इतना ही काफी है, खा लो। इसके अंदर जो मैं प्रेग्नेंट मोली को रखा वो लोग दोस्तों अभी तक बच्चे नहीं दिए हैं। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ प्रेग्नेंट मोली है, उनको अलग करना होगा। लेकिन यार ये जो मनी प्लांट्स है ना ये मर रहे यार। देखिए मैं रोज रोज पानी देता हूँ पर दोस्तों फिर भी इनका हालत खराब हो रहा है। तो पता नहीं दोस्तों कैसा केयर करना होगा। हाँ पर देखिए हमारा बेबी बद जिसना खाना खा रहे, देखो ना चार बेबी बद जिसको खाना खा रहे और बाकी सब यहाँ पर है। चलो खाना खाओ खाना खाओ। जो एडल्ट बजिस है ना दोस्तों वो नीचे उतर के मिट्टी खा रहे हैं। वो देखिए वो देखिए। आज भी दोस्तों हमारा बजिस में लड़ाई हुआ था यार, और एक दूसरे को काफी घायल कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो व्हाइट कलर की बजिस देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका हालत बहुत ही खराब कर दिया, देख रहे ना खून। अरे यार इतना लड़ते हैं कि क्या ही बताऊं लोगों को। सिर्फ यही बजिस दोस्तों एक मेल के साथ काफी लड़ते हैं, बाकी सब दोस्तों ठीक ठाक है, लड़ते नहीं है। यार हमारा मुर्गा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या क्या हुआ? अरे कहाँ गया? देखिए बाहर जाओ बाहर जाओ, फंस गया ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज दोस्तों हमारा मुर्गी ने वहां पर अंडे दी है। अंडे को दोस्तों बाहर लाना होगा। ये देखिए जहां मन करता है वहां पर ही दोस्तों अंडे को उतारती है। हमारा जिल ने दोस्तों फिर से अंडे देना शुरू की है, लेकिन हमारा क्यूटी और एक ब्लैक कलर की मुर्गी दोस्तों अंडे नहीं दे रही है। ब्लैक कलर मतलब सिल्की में एक दोस्तों मुर्गी है जो ब्लैक कलर की है, वो अंडे नहीं दे रही है। और एक दोस्तों ब्राह्मा में ब्लैक कलर की है, वो भी दोस्तों अंडे नहीं दी। अरे चिल ने दोस्तों एक बच्चे पकड़ा। ऑलरेडी दोस्तों उस घर की मुर्गी के बच्चे को ना शिकार कर लिया चिल ने। अरे ये बच्चे तो नहा रहे हैं, देखिए क्या यार छोटा सा बेबी है, इसको नहाना जरूरत पड़ गया। देखिए अरे 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 कितना क्यूट लग रहा है दोस्तों, देखिए। ये मैं दोस्तों बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था, क्या यार। चलिए देखते हैं हमारा बटर ने अंडे दी है या नहीं। ठीक है, अरे अंडे दी है,
देखिए दोस्तों यहाँ पर एक अंडे है। अच्छा यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक अंडे है। टोटल दोस्तों 3 अंडे दी है। वो जगह तो बिल्कुल खाली है, वहां पर अंडे देखने को नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं दोस्तों, 3 मिल गया ना, आई एम सो हैप्पी यार। लेकिन ये देखिए टूट गया, देख रहे ना। एक सैड न्यूज है दोस्तों, हमारा जो सिल्की में मेल है ना, उसको मैं इस रूम के अंदर पकड़ के रखा। रीजन क्या है पता है? वो दोस्तों बीमार हो गया यार। ये दोस्तों साइलेंटली रहता है, इसको एक्चुअली ठंड लगा है। ऑलरेडी मैं मेडिसिन पिला दिया, देखते हैं क्या होते हैं। ये दोस्तों काफी दुबला पतला भी हो गया। यार देखिए दोस्तों केस के अंदर ना लाइट है, उसके बाद दोस्तों रात के समय मैं बंद कर देता हूँ, कपड़ा वगैरह से दोस्तों कवर कर देता हूँ ताकि इनको ठंड महसूस ना हो। बट फिर भी दोस्तों सिर्फ उसको ही सर्दी लग गया, बाकी दोस्तों ठीक ठाक है। कबूतर का वह चिल्लर है, क्या हुआ? हाँ ये दोस्तों मेल जैसे ही आवाज निकालते हैं, तो पता नहीं मेल है या फीमेल है। इनको दिखा। अरे तुम वहां पर क्या कर रहे हो? उसका काम देखिए, मेल फीमेल दोस्तों यहाँ पर है। आज मैं इनको दो जगह पर खाना खाने के लिए दिया था। ये देखिए खाना खा के खत्म कर दिया ना। इसके अंदर थोड़ा खाना है तो मुझे फिर से दोस्तों खाना देना होगा। ये कबूतर दोस्तों पानी ज्यादा पीते हैं, ये लोग सिर्फ नेस्टिंग ही करते हैं, अभी तक दोस्तों अंडे नहीं दिए। मैं तो यार अंडे के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बट दे ही नहीं रहे। भाई ये दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करो सबको पसंद आया है। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुशी रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय। मैं दोस्तों मुर्गा को और सभी मुर्गी को ना इस रूम के अंदर रख दिया, एक्चुअली उस बीमार मुर्गी से अलग कर दिया। वो बीमार दोस्तों इनमें भी आ सकते हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है, इसलिए दोस्तों अलग कर दिया। मुझे पता नहीं दोस्तों ये मैं सही किया या गलत किया। वो दोस्तों खाना भी बंद कर दिया यार। एक्चुअली मैं खाने के लिए दोस्तों वहां पर फीड दिया लेकिन नहीं खा रहे। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ खाने के लिए दोस्तों आज कैबेज दिया गया था और थोड़ा ग्रास दिया गया था, पेट भर के खा लिया है ना क्यूटी। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्यूट, आप लोग देख सकते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक कलर मिक्स है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे दोस्तों कबूतर का जो रूम है ना वो कपड़ा से ढक देना है क्योंकि अभी दोस्तों रात हो गई है। जिसका कॉलोनी भी दोस्तों कपड़े से ढक दिया। दोस्तों एक छोटा सा गुड न्यूज है, मैं एक्चुअली 2 एक्जोटिक क्रैब ऑर्डर किया, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अरे पोलर पैरट कहाँ गया? एक भी नहीं दिख रहा है। ये लोग दोस्तों सुपे रहते हैं, इतना बदमाश है। क्या हुआ? सो जाओ यार, खाना वगैरह खा लिया ना? नाइस जोड़ी है ना दोस्तों, कितना क्यूट लग रहा है हमारा डायमंड। अब देखिए इनके लिए दोस्तों मैं छोटा सा नेस्टिंग बॉक्स लाऊंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा हो गया है इसलिए इसके अंदर अंडे नहीं दे रही है। प्रिंसेस ने दोस्तों फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से नेस्टिंग की है और एक ही बच्चा जिंदा रहा, आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए ना। ये बेबी दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इस बच्चे की माँ ने दोस्तों इस बेबी को ना बहुत ही अच्छी तरीके से खाना खिलाया, देखिए पेट भर के खाना खिला दिया यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, देखिए वाह।